स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्त लोग, तो उस दिन हम लोगों ने जितना भी सब्जी लगाया था, हम लोगों ने सब्जी का सीड लगाया था, जैसे मूली, पालक, बीन्स, पम्पकिन, ये जितना भी लगाया था। कोई कोई सब्जी खाने के लिए रेडी भी हो गया है, तो कोई कोई सब्जी आने में अभी और 1 महीना 1.5 महीना और लगेगा दोस्त लोग। तो ये है हम लोगों का छोटा सा एक वेजिटेबल लगाने का जो गार्डन, जो मैंने उस दिन पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि बकरी अंदर नहीं जाना है। अगर बकरी अंदर चला गया तो सब मेरा फिनिश कर देगा, तो इसीलिए मैंने ये बंद कर दिया था। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सब्जी लगाता है हम लोग यहीं पर खाने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे हम लोगों को सब्जी लगाने का मौका होता है, उस टाइम पानी डालने का ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी उस दिन हम लोगों ने लगा था यहाँ पर वो खीरा, तो ये खीरा ज़्यादातर सब खीरा ही लगाया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह पे मकई लगा दिया है, और मकई ये लाइन में, मतलब पूरा तो नहीं लगाया दोस्त लोग, तो ये लाइन पे लगा के वो लाइन 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 पूरा लगा दिया है। तो उसके बाद ये धनिया, धनिया हम लोगों ने 3 बार लगा चुका था, नहीं आया था, तो इस बार आया है। इस बार सब जगह धनिया आया है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आया है। और पुदीना तो हमेशा होता है, पुदीना तो मैं हर एक साल पुदीना लगाता हूँ, बाकी सब्जी हो या ना हो पुदीना तो हमेशा होता है। तो दूसरा फिर यहाँ पर है हम लोगों का कुरलिंग, तो इसको हिंदी में क्या बोलता है दोस्त लोग ये सब्जी को, ये मालूम नहीं है। तो अभी हम लोगों का जो भाषा में इसको कुरलिंग बोलता है, तो बाद में इसका ऊपर जब सब्जी लगेगा तब मैं दिखाऊँगा वो कैसा होता है बोल के। तो उसके बाद यहाँ पर है पालक, पालक भी खाने का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ से अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पालक, खा रहा हूँ। तो ऐसे घर में लगाए तो ऑर्गेनिक फ्रेश अच्छा भी होता है, तो मैं हमेशा बारिश के टाइम पे ऐसे सब्जी, छोटा मोटा सब्जी लगाता रहता हूँ। और दूसरा है वहाँ पर मूली, ये वाइट मूली, ये तो हर एक साल होता है हमेशा, मगर हम लोग गर्म महीने का जो टाइम होता है, तो उस टाइम हम लोग ये मूली जो है, मूली या कोई भी सब्जी हम लोग नहीं लगाता है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा जाता है, तो गर्म महीने में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो हम लोग को जितना लगाना है बारिश के टाइम पे। तो ये जितना भी दिख रहा है आप लोगों को, ये साइड साइड का सब मकई है। ये पहले भी एक बार लगाया था दोस्त लोग, मकई पूरा लगाया था, पूरा गिलेरी, जैसे उसका फल लग जाता है मकई में तो गिलेरिया के पूरा ख़त्म होता है। तो इस बार मैं सेफ्टी करूँगा, सेफ्टी करके सेव करके रखेंगे इस बार, तो खाने के लिए तो जैसे तैसे बनाएंगे दोस्त लोग। तो वहाँ लगाया था मैंने बीन्स, तो बीन्स का सीड इस बार उतना अच्छा नहीं आया दोस्त लोग। तो अभी मैंने फिर जहाँ जहाँ नहीं आया वहाँ भी मैंने लगाया है, अभी आ रहा है यहाँ पर उधर उधर। तो सिर्फ दोस्तों बारिश आना है, बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा। जितना भी बकरी खाता है सब्जी, वो सब्जी मैंने ये अंदर लगाया, तो पूरा ये सब्जी है। अभी मैं मूली भी खा रहा हूँ और ये पालक भी मैं खा रहा हूँ, और बाकी सब्जी अभी हो रहा है, तो बाद में हो जाए, होने के बाद वो भी खाने को अच्छा से मिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने सयपत्री का फूल लगाया है, जहाँ पर गेंदा फूल बोलता है, तो ये फूल हम लोगों ने इस बार, यहाँ का फूल भी हम लोगों ने पहले लगाया था, तो इस बार फिर हम लोग जब गांव गया था तो वहाँ से थोड़ा सीड लेके आया था बड़ा बड़ा वाला, तो वही यहाँ पर लगाया। तो इसको बाद में जगह जगह शिफ्ट करना है, तो इधर तो पुष्पा ने थोड़ा थोड़ा जगह पर सब शिफ्ट कर दिया है जगह जगह। तो चलिए दोस्त लोग, तो अभी आपको मैं दूसरा सब्जी भी दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने जो एरिया के बाहर लगाया है। तो ये बकरी का बैक साइड, जो बकरी का घर जैसा बना है, तो उसका बैक साइड में यहाँ पर हम लोगों ने लौकी और यहाँ पर भी खीरा लगाया है। तो पहले भी हम लोगों ने यहाँ लौकी लगाया था, तो ये बकरी का घर के ऊपर जो वो चादर लगाए, तो उसका ऊपर ऊपर बहुत हुआ था उस टाइम, तो हम लोगों ने बहुत खाया, तो बहुत अच्छा भी लगा ये लौकी, तो इस बार भी लगाया, देखेंगे कैसा होगा इस बार। तो यहाँ हो गया, और दूसरा उधर भी है, यहाँ पर हम लोगों ने पम्पकिन लगाए वहाँ पर, ये देखिए दोस्त लोग,
जो पम्पकिन भी उस दिन मैंने थोड़ा थोड़ा, जहाँ पम्पकिन था पम्पकिन के आजू बाजू में जितना भी वेस्ट ग्रास आया था तो वो सबको मैंने निकाल दिया, तो थोड़ा साफ कर दिया है। अभी ग्रास निकालने का काम तो बहुत है दोस्तों, तो इस बार क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं बना सकता, मिट्टी नहीं निकाल सकता, तो थोड़ा थोड़ा इसको कटिंग करूँगा, जितना लंबा हो जाएगा उसको मैं कटिंग करके थोड़ा थोड़ा बनाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल छोटा है, आराम से चल सकता है, तो उतना कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बड़ा हुआ तो उस टाइम यह सब कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्त लोग कि हमेशा अगर पानी यहाँ पर अगर हुआ तो हर एक साल कोई भी मौसम में कौन सा सब्जी होता है वो हम लोग लगा सकता है, यहाँ पर अच्छा सा होता है, हर एक सब्जी यहाँ पर बहुत बढ़िया होता है, मगर पानी नहीं होने के कारण से हम लोग सिर्फ बारिश के टाइम पे लगाता है दोस्त लोग। जैसे बारिश का टाइम स्टार्ट होता है, जैसे बारिश स्टार्ट हो गया, दो दिन तीन दिन का जो बारिश आता है उसके बाद ज़मीन भीगने के बाद हम लोग उसमें खेती करना शुरू करता है। जैसे खेती भी बहुत बड़ा तो नहीं है, जैसे हम लोगों को घर में खाने के लिए होना है बस उतना ही। तो दोस्त लोग तो वो जो पेड़ ट्री देख रहा है, ये बकरी का घर का बैक साइड वो ट्री, सब कड़ी पत्ता है, पहले लगाया था मैंने, तीन साल पहले लगाया था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। उधर पेड़ है मेरा घर के, जो मेरा रूम के बाजू में एक पेड़ है। तो दोस्त लोग मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी दिन भी बढ़िया है, एक महीना हो गया है, उतना धूप नहीं है, हवा दे रहा है, सिर्फ बारिश नहीं आ रहा है, तो जितना भी काला बादल है दोस्त लोग अभी इतना काला दिख रहा है, अभी बारिश आएगा जैसा दिख रहा है, मगर थोड़े देर में हवा ज़्यादा आने के कारण से पूरा बादल हट जाएगा, उसके बाद फिर क्लियर, उसके बाद पानी आने का चांस ही नहीं है दोस्त लोग। तो ये देखिए दोस्त लोग, तो ये मैंने उस दिन गांव गया था, हम लोग गांव से लेके आया था, ये धोकरे फूल बोलता है, ऐसे धोकरे फूल, मुझे भी उतना वो नहीं मालूम, ये धोकरे फूल तो हम लोगों ने इधर लगाया था ले आके, तो बहुत बढ़िया हुआ है, तो इसको थोड़ा हाइट बड़ा होना है, हुआ तो और अच्छा दिखेगा। तो कल का दिन भी मेरा बहुत काम हो गया दोस्त लोग, तो ये जितना भी गार्डन का ये ग्रास था पूरा उस साइड का, वो साइड का और ये साइड का पूरा कटिंग कर दिया, और बैक साइड का भी मैंने कटिंग कर दिया, तो मेरा गार्डन भी अभी फ़िलहाल थोड़ा और अच्छा हो रहा है। तो और इसको अच्छा बनाने के लिए मुझे कल मैंने उधर क्लीन कर रहा था दोस्त लोग, वहाँ क्लीन कर रहा था, वहाँ भी मुझे कुछ लगाना है दोस्त लोग। फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी ये वाला, तो ये मुझे उतना शायद अच्छा होता होगा, मतलब उतना वो नहीं लगा, तो सोच रहा हूँ यहाँ पर भी सेम वो जो सेंटर में वो रेड वाला पौधा देखा है पत्ता जैसा, तो वही लगाने के लिए सोच रहा हूँ यहाँ पर पूरा लाइन में। तो ये मैं कल करना है मुझे, ये और क्लीन करना है, वहाँ आगे तक पूरा क्लीन करके उसके बाद यहाँ नया लगाएंगे, थोड़ा मिट्टी भी डालेंगे, तो कल मेरा यही काम होगा। तो यस्टरडे को मैंने फिर वही ग्रास कटिंग किया, मैंने आगे का देखा दिया और इस साइड का भी पूरा कटिंग कर दिया। पहले तो मैंने वो जगह जगह कटिंग किया था दोस्त लोग, वो जगह का और वो जगह का, इस बार क्या किया मैंने, पूरा एरिया में जहाँ जहाँ बड़ा हुआ है सब जगह मैंने कटिंग कर दिया। तो अब ये बारिश आने के बाद तीन चार दिन का बारिश से फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर अच्छा दिखेगा दोस्त लोग। तो चलिए दोस्तों, तो अभी आप लोगों को हम लोगों का जगह का जो डल्ले खुरसानी, मतलब मिर्च, राउंड वाला मिर्च है जो छोटा छोटा होता है, तो वो भी मैंने पॉट में ला के रेडी करके रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो हम लोग का जगह का राउंड वाला मिर्च मिलता है, मिर्च होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बीजन रखा है अलग अलग करके, थोड़ा पौधा भी बड़ा बड़ा हुआ है, तो इसको शिफ्ट करना है हम लोगों को, तो इसको शिफ्ट करेंगे, इसको कल शिफ्ट करूँगा, नहीं तो शाम को शिफ्ट करूँगा। जो अभी मैंने आप लोगों को गार्डन दिखाया, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर थोड़ा खाली जगह है तो वहाँ पर यही लगाएंगे, इधर भी है और इधर, तो जितना भी अभी बड़ा हो गया तो इसको अभी शिफ्ट किया तो ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वहाँ गार्डन में लगाए तो पॉट में रखा तो बहुत लेट, अभी पॉट में तो इतना ही है इसका बढ़ने का चांस। अब इसको छोटा पॉट से हटा के अगर
वहाँ गार्डन में जो एरिया है वहाँ पर लगा दिया तो जल्दी जल्दी बड़ा होगा, तो जल्दी जल्दी इसमें फूल लग के मिर्च आना भी शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो बाद में खाने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का कड़ी पत्ता का ट्री बन गया है, तो बहुत छोटा सा लेके मैंने यहाँ पर लगाया था, इधर एक और उधर दो दो लगाया था, तो अभी तो इतना बड़ा ट्री हो गया है। तो दोस्त लोग, तो अभी मैंने आप लोगों को गार्डन भी देखा दिया, और मेरा जो अभी फ़िलहाल बाद में लगाने वाला जितना भी है जैसे मिर्च वो भी बाद में लगाऊंगा। तो मेरा कल से फिर काम शुरू होगा दोस्त लोग, तो कल से मेरा वो पौधा थोड़ा नया नया लगाना है। तो फिर उस दिन मैंने जो लॉन्ग चेयर बनाया था दोस्त लोग, तो वो लॉन्ग चेयर में भी मेरा कलर बाकी है, कलर नहीं किया है मैंने, उसको भी कलर करना है। तो ये मुझे जितना भी ये जो काम मेरा रुका हुआ है दोस्त लोग, तो वो सब मुझे फिनिश करना है दोस्त लोग, थोड़ा थोड़ा करके पूरा ख़त्म करना है। तो अभी काम तो बहुत है दोस्त लोग, क्योंकि बारिश के टाइम पे इतना ज़्यादा काम होता है कि अब जैसे ग्रास का तो मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया, डेली आया तो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, ग्रो होता है, तो उसके बाद उसको एक महीना डेढ़ महीने में कटिंग करने का टाइम होता है। तो मेन पौधा का वही होता है ग्रास का, और दूसरा फिर जितना भी पौधा है उसको छोटा हाइट में रखना है, तो वो भी जल्दी जल्दी बढ़ने के बाद उसको भी कटिंग करने का टाइम जल्दी जल्दी आता है ये बारिश के टाइम पे। तो फिलहाल फिर मेरा बहुत काम है दोस्त लोग अभी करने का, वुड का काम अभी और मेरा बचा है। वुड का काम मुझे उस दिन जो चेयर बनाया था उसके सामने टेबल बनाना है मुझे, उसके साइड में जैसे टी कॉफ़ी या कुछ भी जैसे खाने का कुछ रखने वाला ऐसा छोटा सा एक टेबल बनाना है वो चेयर के सामने, तो वो काम भी मेरा बाकी है। तो वुड तो मेरे पास बहुत पड़ा है, तो अभी मैं थोड़ा दूसरा दूसरा काम में मैं अटक रहा हूँ, जैसे घर का काम ये ग्रास कटिंग इसमें मेरा टाइम जा रहा है, तो इसलिए मुझे वो काम करने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है दोस्त लोग। तो अब धीरे धीरे आराम से, तो दोस्त लोग तो दिन भी इतना अच्छा है, देखिए हवा इतना ठंडा हवा आ रहा था उस दिन, ये बारिश आने से पहले बहुत गर्म था दोस्त लोग, तो बाहर निकल भी नहीं पाता था, फिर भी हम लोग वो टाइम पे काम कर रहा था तो इतना गर्म होता था, ऐसे चलते रहो या बैठे रहो पसीना पूरा ऐसा गर्म हुआ था उस टाइम। तो अभी फिर बारिश का टाइम हुआ तो इतना ठंडा हवा आ रहा है इतना ही, तो दिन भी बहुत अच्छा हुआ है, मगर हर एक टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है दोस्त लोग। जैसे गर्म महीने में मॉस्किटो तो उतना नहीं होता है दोस्त लोग, तो कोई भी काम कर लो आराम से कर सकता है, तो मॉस्किटो जैसे मच्छर डिस्टर्ब भी नहीं करता है, कोई भी काम करो चाहे बगीचा में हो जैसे गार्डन में सब्जी लगाने के लिए जाओ, चाहे वुड का काम करो चाहे कोई भी काम करो, गर्म महीने में एक भी मच्छर दुख नहीं देगा, आराम से कर सकता है। तो अभी क्या है कि अभी ठंडा, जैसे अभी ये बारिश का टाइम आ गया तो ठंडा भी है दोस्त लोग, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और दिन भी ठंडा हो गया है, तो इसी टाइम थोड़ा गर्म से तो हम लोगों को अच्छा फील हो गया, मतलब ये ठंडा हवा मिलने के कारण से मच्छर इतना डिस्टर्ब करता है, झाड़ू लगाओ पूरा फुल भेस्ट नहीं लगाया तो पूरा मच्छर काट देता है। और कुछ भी ग्रास कटिंग करने के लिए ग्रास, जैसे कि जहाँ पर ये ग्रास है अभी नीचे, ये नीचे तो ये ग्रास के सेंटर सेंटर में थोड़ा पौधा आता है, वो जंगली पौधा जैसा आता है, तो उसको निकालने के लिए बैठो मच्छर काटता है, कुछ भी कलर करने के लिए बैठो मच्छर काटता है। सुबह जैसे उठते हो, सुबह उठने के बाद आप कोई भी काम करो मच्छर काटना, सुबह से शाम तक मच्छर, तो बहुत मच्छर होता है ये बारिश के टाइम पे। तो फिर ऐसा तो हर एक मौसम में एक ना एक चीज़ प्रॉब्लम देने वाला होता है रहता है, ये तो प्रकृति मतलब नेचर है, कुछ भी हो सकता है दोस्त लोग। गर्म महीने में गर्म का प्रॉब्लम, बारिश के टाइम पे मच्छर का प्रॉब्लम, तो ऐसा तो होता रहता है ये मेरे ज़िंदगी में नहीं, अब जितना भी ये हर एक जगह हर एक उसमें सब जगह ऐसा प्रॉब्लम है। तो दोस्त लोग चलिए दोस्त लोग, तो मैंने अभी आप लोगों को गार्डन देखा दिया और मेरा जो जो काम रुका हुआ है वो भी मैं बाद में शुरू करूँगा। आज का वीडियो इतना ही दोस्त लोग, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ मिलेंगे।